हरियाणा का पानीपत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। किसी भी राज्य और शहर के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है नगर निगम। पानीपत नगर निगम शहरवासियों को स्वच्छ और सौंदर्य शहर देने के लिए अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि अंत्योदय आखिरी जो पंक्ति में इंसान खड़ा है उस तक कैसे डेवलपमेंट की चीजें पहुंचे, तो मैंने नहीं किया, ये पूरी टीम का एफर्ट्स है। नगर निगम जब से बनाए और आज जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, तो पानीपत में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हुई, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट की शिफ्टिंग हुई, अब जो बनने लग रही है एसटीपीज बने हमारे दो, अर्जुन नगर वाले बरसद एसटीपी नगर निगम ने बनाया, डेकोरेटिव लाइट्स आप देख रहे हो। उसके बाद हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स में इस तरह से सिटीजन फीडबैक सेंटर्स बने, उसके बाद पिंक टॉयलेट्स नगर निगम ने बनाए। आने वाले वक्त में हमारा शहर जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। 78 कॉलोनीज जो बिल्कुल जिसको बोलते इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट थी, उनके अंदर कोई वाटर सप्लाई नहीं थी, कोई सीवरेज तो दूर की बात है, वहाँ पे 8-8, 10-10 फीट गहरे गड्ढे होते थे, दिन में तो क्या रात रूत तो कुछ भी वहाँ पे नहीं था। उस टाइम पे जब कॉरपोरेशन ने काम करना स्टार्ट किया रिकॉर्ड टाइम के अंदर, 2 साल के अंदर, आज उन सब कॉलोनीज के अंदर आप सारी सड़कें हैं, सीवरेज है, वाटर सप्लाईज है। अब नगर निगम पानीपत शहरवासियों के विकास के लिए हर रास्ता खोलने की कोशिश में लगा है। पानीपत में एंट्री लेते ही गुरु तेग बहादुर गेट का निर्माण नगर निगम ने किया है, जो पानीपत में 4 चांद लगा रहा है। उसके बाद रात में सड़कों पर लगी ये लाइट मानो अंधेरों को चीरते हुए पानीपत को रोशन कर रही है। पिछले 4-5 सालों में तेजी से विकास हुआ है। पानीपत को जाम मुक्त करने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है, 8 मलहा चौक बनाया। बहुत राहत मिली है, ये रोड बनी है तब जाम कम लगती है और बहुत से बहुत अच्छा लगता है। पहले ट्रैफिक लगता था यहाँ बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत होती थी गाड़ी आने जाने में, अब जो ये रोड बना है इससे अब जाम नहीं लगता। सिटी मोबिलाइजेशन प्लान अगर निगम बनाए, सिटी मोबिलाइजेशन प्लान के हिसाब से कौन सा ट्रैफिक कौन सी रोड पे किस पीक आवर्स में ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हम पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा कर सकते हैं। पहले बहुत पानी जमी रहती थी और जाम बहुत ज्यादा लगता था, अब जब से रोड चौड़ी हुई ना तब से जाम कम लगता है। पानी की निकासी जो होती थी, पहले पानी भर जाता था, अब वो पानी की निकासी भी हो जाती है, जाम भी नहीं लगता है, काफी आराम। वहीं गरीब से गरीब रेड़ी पटरी वालों के लिए पीपली मंडी का निर्माण किया, जिसमें लाइसेंस के साथ साथ लोन भी दिया जा रहा है ताकि ये लोग आत्मनिर्भर हो सके। यहाँ पे एक पीपल वाली मंडी है, उसकी ब्यूटिफिकेशन, मॉल टाउन के रिंग रोड की ब्यूटिफिकेशन विद डेकोरेटिव लाइट्स, तो इस तरह की प्लानिंग हमारी चल रही है। तो ये 7-8 प्रोजेक्ट अगर हमारे नेक्स्ट 2 ईयर्स में कम्प्लीट हो जाते हैं तो देखिएगा पानीपत एक अलग ही सिटी बन के उभरेगा। लाइसेंस बनाया मेरा समथिंग 2 महीने पहले, उससे बहुत फायदा है, कभी लोन भी ले सकते हैं हम उसपे, जैसे हमारे पास पैसे नहीं है तो कंपनी वो नगर निगम हमारे लिए 10,000 रुपये दे सकती है, उसको हम किस्त द्वारा भुगतान भी कर सकते हैं। जो लाइसेंस के लिए बोल रहे थे वो हमने बनवा लिया है, पुलिस वाले हमें ऐसे कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ना हमें कोई पुलिस वाले परेशान करते हैं यहाँ पे, ना ही नगर निगम की तरफ से हमें कोई परेशानी है, ठीक है, हमारा अपना काम सही चल रहा है, जो कोई दिक्कत ना है। नगर निगम ने कई धर्मशाला बनाई हैं। हम वार्ड नंबर 7 के वाल्मीकि धर्मशाला पहुंचे। इस धर्मशाला की वाल्मीकि समाज के लोगों को कितनी जरूरत थी वो शायद पानीपत के नगर निगम को पता थी, तभी उसने तेजी से इसका काम करवाया। सुंदर सा एक भवन दिया वाल्मीकि समाज को, जिससे बेटियों की शादियों में दुख में सुख में आज सिर पर छत है, आंधी तूफान बरसात कुछ भी आए तो किसी का भी कोई भी प्रोग्राम रुकेगा नहीं। आसपास की जितनी 20,000 से 25,000 की आबादी है, वार्ड 7, 8 और 9 राजीव कॉलोनी के साथ साथ जितनी भी कॉलोनियां लगती हैं, सभी को इसका लाभ होगा। पानीपत नगर निगम ने बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हैं, ये एक उनमें से एक है और अच्छे कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हैं, तो उस जगह पे उस पर्टिकुलर एरिया में उसकी नीड थी। और जाने के बाद हमारी निगम की वहाँ पे एरिया में बात नहीं हुई है, हमारे वार्ड मेंबर्स हैं वो रेगुलरली टचअप में रहते हैं,
वो नीड ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, एक गरीब समुदाय है वो कहाँ जाएगा, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में तो नहीं जा सकता, तो ये हमारे कम्युनिटी सेंटर्स ही उनके लिए एक आश्रय का काम करते हैं। और आसपास में 36 बिरादरी और भी है जिनको इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। आजकल टेंट लगवाना भी 1-1 लाख रुपए से कम टेंट वाला भी कोई नहीं लेता, तो ये सामुदायिक भवन बनने से गरीब आदमी को बहुत लाभ होगा, वो अपनी बेटियों की शादियां बड़े धूमधाम से और बहुत से बहुत कम खर्चे में अपनी बेटियों की शादियां कर सकते हैं। इसके साथ साथ पानीपत नगर निगम ने कई विवाह घर और समुदाय भवनों का निर्माण कराया, जिसमें हर वर्ग धर्म और जाति के लोग अपने बेटा बेटी का विवाह कम पैसों में अच्छे ढंग से करा सकते हैं। नगर निगम पानीपत और वहां के पार्षद मिलकर पानीपत का विकास करने में लगे हुए हैं। कुछ अर्निंग की तरफ भी जा रहे हैं नगर निगम के, जैसे हम कम्युनिटी सेंटर्स बना रहे हैं कि जो कि आगे जाके नगर निगम के लिए अर्निंग का सोर्स रहेंगे। क्रिकेट स्टेडियम हम बना रहे हैं, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल्स बना रहे हैं, तो दोनों चीज़ों की तरफ ध्यान है हमारा कि अर्निंग भी बढ़े, ब्यूटिफिकेशन भी हो और लोगों का बेसिक इंफ्रा है वो भी लोगों को मिलता रहे। पानीपत वासियों के लिए वार्ड नंबर 14 में इंडोर ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जा रहा है और वार्ड नंबर 7 में स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। पानीपत के युवा और बच्चे अपने भविष्य में कुछ बेहतर कर सकेंगे। स्टेडियम में खिलाड़ी मेहनत करके अपने सपनों को नई उड़ान देंगे। हम एक प्लान कर रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम बनाने की, ये शायद हरियाणा में किसी नगर निगम ने प्लान किया नहीं है, तो सोंदापुर गांव में हम क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, दैट विलेज इज इन निगम नाउ। सबसे मेन हमारा प्रोजेक्ट है सेक्टर 12 में वार्ड 14 में ऑडिटोरियम बनने का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सौगात दी है। सीएम अनाउंसमेंट के तहत 68 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बनने जा रहा है। सरकार की एक योजना थी और उस सब्जी मंडी को नई सब्जी मंडी में शिफ्ट कर दिया गया और ये लैंड हमारे नगर निगम के पास वापिस आ गई, तो यहाँ पर हमने इंडोर स्टेडियम बनाने का एक प्रोजेक्ट बनाया। लगभग 50 करोड़ की लागत से इस स्थान पर इंडोर स्टेडियम बनेगा। किसी भी विकास की जड़ शिक्षा ही होती है। एक घर को स्वच्छ रखने के लिए वहाँ की महिलाओं और पुरुषों दोनों का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। इसी की तर्ज पर पानीपत में मुफ्त में विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी चल रही है, जिसमें पिछले कुछ सालों में बच्चों के लिए कई अच्छे बदलाव हुए हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है और जो यहाँ पे शांति मिलती है, बुक्स वगैरह है बहुत ही अच्छी है। सुबह का टाइम भी खुलने का बहुत ही अच्छा, 8 बजे खुल जाती है और लगभग 7 से 8 बजे के बाद ही बंद होती है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, डिस्टर्बेंस नहीं है, बाहर ग्रीनरी बहुत है, तो अगर कभी बोर हो जाते हैं तो बाहर वॉक कर सकते हैं। जैसे मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रही हूँ तो घर पे नहीं हो पाती प्रिपरेशन, तो उसके लिए टाइम यहाँ पे अच्छे से हो रहा है, मतलब कि टाइम प्रोवाइड कर रही है, मैं अच्छे से यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर पा रही हूँ। शिक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, इसलिए पार्कों में ओपन जिम बनाया गया है, जिसमें बच्चे, युवा और बूढ़े सभी सुबह और शाम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं। ओपन जिम का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हो रहा है, क्योंकि वो अक्सर अपने ऊपर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती हैं। ऐसे में मुफ्त में इस जिम के माध्यम से वो खुद को स्वस्थ रख पाती हैं। जिम के लिए स्पेशल एक इंजीनियरिंग विंग में ही डिविजन बनी हुई है, जो सिर्फ पार्क की चीजों को मेंटेन करने के लिए मॉनिटरिंग करती है, तो उसका वो पार्ट है। ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के थ्रू ही हमने जो ओपन जिम बने हुए हैं वो कैसे ठीक हो, या वो जब खराब हो जाते हैं उनको कैसे ठीक किया जाए कम टाइम में, ये एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है इंजीनियरिंग विंग का, जो निगम ने बनाया हुआ है। इसके कारण हमारे जिम मेंटेनेंस प्रॉपर है। हमारे पार्क के अंदर 2 हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जहां पे बरसात का पानी जमीन के अंदर जाके जमीन को रिचार्ज करता है और वो पानी फिर दोबारा से हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। जहां पर तालाब बने हुए थे, एक रेलवे लाइन के साथ तालाब था, एक रविंद्र हॉस्पिटल की बैक साइड पे लगभग 2.5 एकड़ का तालाब था, उसके अंदर गंदगी थी और वहां लोग रहना पसंद नहीं करते थे, तो उसमें भी हमने संकल्प लिया,
प्रशासनिक अधिकारियों की भी सपोर्ट मिली, वहाँ के रेजिडेंट्स की भी सपोर्ट मिली, उसको हम लोगों ने टेंडर लगा के उसको फिल करवा के वहाँ पे हमने एक बहुत सुंदर पार्क का प्रारूप दिया। महिलाओं और लड़कियों के लिए नगर निगम ने पिंक टॉयलेट भी बनवाए हैं, जिससे महिलाओं को घर के बाहर मार्केटिंग करते वक्त वॉशरूम की समस्या ना हो। पानीपत नगर निगम के साथ यहां के लोग अपने शहर और वार्ड को सुंदर बनाने के लिए कदम से कदम मिला रहे हैं। सेक्टर 12 ग्रीन पार्क इसका सबूत है। इस पार्क के वातावरण में आपको शांति की अनुभूति होगी। पिंक टॉयलेट का वहां पे आइडिया निगम का ही था, निगम के ही मेयर मैडम का था और यहीं के विधायक जी और एमपी साहब की तरफ से ही इनिशिएटिव था। तो पिंक टॉयलेट हमने उस जगह सोचा जहां पे वुमेन की इनफ्लो ज्यादा है और वो एरिया हमारा डेफिनेटली शॉपिंग एरिया है, तो वुमेन का इनफ्लो इस तरह से बनाया गया। तो वहां पे पिंक टॉयलेट हमें लगा कि वहां पे इनपुट ज्यादा हो गया वुमेन्स का और उनकी रिक्वायरमेंट हम वहां पे एज अ पिंक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करके पूरी कर सकते। पानीपत के वार्ड नंबर 10 में पानी की पाइपलाइन पहुंची है, जिससे यहां रहने वाले लोगों को अब पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पानीपत नगर निगम ने कक्कर चौक डंपिंग वार्ड के साथ कई विकास को गति देने के लिए योजनाएं बनाई हैं। 17 सालों में फर्स्ट टाइम ही यहां पानी की पाइपलाइन डली है। इससे पहले यहां पानी की बहुत दिक्कत थी, स्मर्सिबल तो थे लेकिन पानी की दिक्कत थी, लेकिन अब इतने सालों में अभी पाइपलाइन डली है पानी की। 70 साल हो गए हैं, पहली बार ही सीवर लाइन लगी है पानी की, पहले दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने उन गलियों में पर्याप्त सीवरेज लाइन बिछवाई, पानी के पाइप बिछवाए और तो और ईदगाह कॉलोनी 70 साल से वहां पर छोटी छोटी 6-6 फुट की गलियां थी और वहां पे किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं थी, तो उसको हमने आगे काम करवाने का प्रयास किया और उसमें हम लोग कामयाब भी हुए। हमारे यहाँ पर सीवर और पानी की लाइन पहली बार डली है। पहले सीवर की वजह से बहुत प्रॉब्लम थी, सारा दिन गंदगी में पड़े रहते थे, लेकिन जब से सीवर अब डल चुके हैं, सरकारी पहली बार डले हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को हम थैंक्स कहना चाहते हैं। पानी की प्रॉब्लम तो बहुत थी पहले, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब पानी बिल्कुल टाइम से आता भी है और दिन में 2-3 बार आ जाता है पानी। तो मोटा मोटा कचरा आता है ना, वो हम उसे अलग कर देते हैं, उसको हम पानी को खेती के लिए बना देते हैं। पीएच का पानी जो आता है हमारा, नालों का गंदा पानी जो भी आता है, इसमें कबाड़ आ जाता है हमारा, कचरा आता है, पन्नी वगैरह जो भी है सब हम उसे यही निकाल देते हैं। नगर निगम की पानीपत में 3 बिल्डिंग है, जिससे काम 3 जगह बटा हुआ है। अब तीनों बिल्डिंग को एक जगह एग्रो मॉल में लाया जा रहा है, जिससे एक साथ काम करने में काम तेजी से होगा। एग्रो मॉल जो हमें मिला है उसमें हमारा पूरा निगम शिफ्ट होने जा रहा है, उस पे काम चल रहा है और मुझे लगता है कि 2-3 महीने तक शायद एग्रो मॉल में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ताकि लोगों को 3 जगह पे जाना पड़ता है, पालिका बाजार, मॉडल टाउन, रेलवे रोड, तो अब सारा काम एक ही जगह होगा। मेयर भी वहीं बैठेगी, सारे अधिकारी भी वहीं बैठेंगे, सारे ऑफिसेज भी वहीं होंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। मैं ये कहना चाहूंगा कि निगम पे विश्वास रखिए, आपके लिए निगम खड़ा है और पानीपत की जनता की सेवा करने के लिए निगम खड़ा है और जनता का सहयोग मैं इतना चाहता हूं कि हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें वो सहयोग करते रहें।